शायद अफरीदी सौंफ वगैरह डालते हैं तुझे हंस हंस के जरा HBLPSL जीत की जंग शो का नाम है आपको ढेर सारा वेलकम क्योंकि यहाँ पे होने वाली है बहुत सख्त मुकाबले मेरे साथ हैं जैनब अब्बास कैसी हैं मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं ठीक ठाक मैं तैयार हूँ बिल्कुल अपने हमारे प्लेयर्स तैयार हैं या नहीं ये इम्पोर्टेंट बात है प्लेयर्स तो हमेशा ही तैयार होते हैं लेकिन हम लोग भी तैयार हैं बिकॉज ऑब्वियसली ये गेम शो है डिफरेंट गेम्स होंगी एंड हर गेम के एंड पे आपको मिलेंगे पॉइंट्स बहुत सिंपल है टीम के जो हैं प्लेयर्स आएंगे डिफरेंट टीम्स के फ्रेंचाइजेस के सारे प्लेयर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी और एंड में जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वही टीम जीतेगी मेरे ख्याल से कि जो हमारे आज के मेहमान हैं द टू स्पेशल प्लेयर्स दैट वी हैव हियर फ्रॉम कोटा ग्लैडिएटर्स एंड लाहौर कलंदर्स फखर जमान एंड अहमद शहजाद बहुत बहुत आप दोनों को वेलकम मुकाबला तगड़ा है वैसे बाय द वे इसलिए कि आपकी स्किल्स जो है ना ये दूसरी तरह से नापी जाएंगी अहमद भाई के साथ हमारा क्या मुकाबला और कोशिश करेंगे बस एज लॉन्ग एज स्पिरिट कायम रहे ठीक है ना लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला यहाँ नहीं होगा चले जी मैं अहमद शहजाद साहब को पिक कर रहा हूं ओ हो हो क्या बात है फखर लेट डाउन नहीं करना मुझे मतलब द होल आईडिया ऑफ दिस इज कि आप पेयर करें और उसके बाद मैंने पहले से बोल दिया मैं पूरी कोशिश करूंगा मुश्किल है पर पूरी कोशिश करूंगा ये स्टार्ट शो हो रहा है टिचकर पे टिचकर लगा रहे हैं वो क्वाइटली नहीं बड़ी सिंपल सी यार जैसे फाइनल में बैटिंग की थी ना बस वही समझो ये वही है अच्छा इसके बाद ना अब हम पिच पे जाएंगे और पिच पे टॉस होगा कि पहले कौन खेलेगा डन ठीक है चलें यप चलो चलो जी टॉस के लिए हम यहाँ पे आ गए पार्टनर्स सो पिच को रीड करना आप लोगों ने टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे पहले बैटिंग या बॉलिंग क्या करेंगे कोशिश करूंगा कि पहले बॉलिंग करूं सही बात है तो ये हेड्स एंड टेल्स हां ये हेड्स है ये टेल्स हूज कॉलिंग यू कॉलिंग आप कॉल करेंगे चलो जी फॉलो हेड्स टेल्स टेल्स यानी कि क्या करेंगे पहले बारी मेरे ख्याल है इनको अंदर डालें क्योंकि पिच ग्रीन लग रही है ओके हां तो पहले हम आप बैटिंग करें जी पहले नहीं विल चेस तो हम आनी है फखर अच्छा सेगमेंट का नाम है फ्लिप द बॉटल सिंपल सा है फ्लिप करना है आपको और हर फ्लिप को आपको मिलेंगे 6 पॉइंट्स और जो एंड में टीम जो है ज्यादा फ्लिप करेगी बॉटल्स वो जीत जाएगी चलो जी मेरे ख्याल दूध 1-6 वाह वेल डन क्या कर रहे आते साथ टी20 सर ओ वाह एफर्टलेस जीत गए हां 18 स्कोर है हर बॉटल सीधी गिरने का 6 अच्छा ये रूल आपने बनाया ओह जी एक और हो गई 5 अभी लास्ट 5 सेकंड्स 4 नियरली 3 2 1 मोर ट्राई 1 गॉन चलो ये भी काउंट कर लेते हैं ये भी काउंट कर लेते हैं काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक इसने और की थी जो नीचे से उठा के तो कितनी टोटल 7 7 7 बॉटल्स इन्होंने रखी हैं 42 पॉइंट्स है टोटल बड़ा अब ये किया क्या लो जी ये पकड़ो जो आपने देखा है वही किया है और टेंशन नहीं लेनी आसान है और मेरी दुआएं आपके साथ हैं तू तो सुबह शाम करता है हम नहीं ना करते खैर प्रैक्टिस अभी कर ले थोड़ी सी 6 के 6 ही खड़े कर दिए तूने आपका अहमद टाइम स्टार्ट होता है नाउ चलो जी अहमद एक इसको ये वाह क्या बात क्या कॉन्फिडेंस रिलैक्स करें इसको आराम से थोड़ी फ्लाइट दें अबे क्यों ताकि तुम छक्का मार सको डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स काम कर रहा है आधा आधा पॉइंट मिल गया वैसे आधा है थोड़ा थोड़ा ये वाली ले थोड़ा सा और ऊपर और ले लो मेरे वाले ले ले खैर है चल उसमें शायद मैं 39 लगी ये दो वेल डन 3 और चाहिए हमें कोशिश की मगर आप प्रोफेशनल निकले इसमें खास है मुझे लगता है ये प्रैक्टिस करता रहा पीछे है ना ये रिस्ट वर्क काम आया है जेन्युइन बोल रहा हूँ जितना ये मतलब कॉन्फिडेंटली ये कर रहा था मुझे लग रहा है कि तेरे हॉबी है ये
अच्छा क्या स्कोर हुआ है फिर? 42 इन्होंने किया है. एक दो तीन चार. चार इन्होंने किया, उन्होंने छह बॉटल्स की थी. हाँ. तो हमारे विनर जो हैं वो तो हम 24 में. आई थिंक कि अगले सेगमेंट में देखते हैं कि मुकाबला कितना लशिंग लशिंग है. क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं लशिंग. वाकई वो कुछ लाल से हो गए, लाल पीले समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही है आज मैं जीता कैसे. पिछले राउंड के मुताबिक तो कलंदर्स आर लीडिंग. 42 पॉइंट्स इनके थे, 24 इनके थे. करीब करीब मुकाबला सख्त था. अहमद ने ज़रा लेट टेक ऑफ किया, लेकिन अभी भी उनके पास चांस है. बिकॉज ये जो हमारा राउंड है HBLPSL जीत की जंग, इट्स कॉल्ड 2020. अच्छा पॉइंट ये है कि मैं सवाल करूँगा फखर से. हाँ. आप सवाल करेंगी अहमद से. देखो ना इस तरह फेयर रहेगा. चलो जी फखर, पहला सवाल, कौन सा बॉलर को दोबारा फेस नहीं करना चाहेंगे? इफ्तिखार अहमद को. इफ्तिखार ये अपने जो सिलेक्टर हैं. क्या वजह, क्या वजह, क्या सिलेक्टर हैं आप उसको सिलेक्टर इफ्तिखार अहमद को आप सिलेक्टर कोच प्लेयर कुछ भी समझ सकते हैं. क्यों क्यों वजह, क्या 40 साल के तो हैं यार, ये नहीं चलाना वरना वो मेरे कह रहे हैं यही तो चलाना है, यही चलेगा. अगर दुनिया में क्रिकेट होती ही नहीं तो कौन सी स्पोर्ट्स खेलते आप? फुटबॉल. कौन सा फेवरेट प्लेयर? मेसी. वो कौन सा प्लेयर है जिसको क्रिकेट के अलावा हर चीज में दिलचस्पी है? फहीम अशरफ. माजी का वो कौन सा कप्तान है जिसके अंडर खेलना चाहेंगे? कोई भी हो तो. कोई भी हो तो एम एस धोनी. किस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड और बनाना चाहेंगे? इंग्लैंड और इंडिया. आपको गुस्सा दिलाना हो तो क्या करना चाहिए? बहुत कम गुस्सा करता हूँ. मैच हो रहा था. सुने ना कितने टाइम से जानते हैं यार, कितने टाइम से जानते हैं. श्रीलंका एक दफा, एक दफा तो यार श्रीलंका अगेंस्ट मैच हो रहा था. मैंने इसको कभी यूं नहीं देखा था, तो शायद इतनी कुछ डांट पड़ गई भी थी क्या बर्दाश्त का वो सिस्टम. शॉट लगी है, दो ही था. हाँ. ऐसा नहीं दो नहीं था, दो था तो इसने पकड़ के फेंका. तो वो आमिर था, आमिर की कर रहे हैं दसन दिन में की कर रहे हैं दूर पे आगे क्या है तुझे. तो इतना वो जा ही नहीं रहा था यार, उतनी कमाल हुआ देख ही जा रहा मैं. अगर आप पे फिल्म बनाई जाए तो उसमें विलन कौन होगा? विलन उस्मान शिनवारी. इन प्लेयर्स का नाम सुन के सबसे पहले जहन में कौन सा लफ्ज आता है? एक वर्ड. एक वर्ड ठीक है. असद शफीक. सिंपल. इमामुल हक. इसका उल्टा कर ले. मिचेल स्टार्क. फास्ट एंड फ्यूरियस. अहमद शहजाद. एक्टर. एक्टर. दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं आप या अकेले रहते हैं? ज्यादातर अकेले रहता हूँ. वो क्यों, इतने दुखी क्यों हैं? गमजदा क्यों हैं? बस क्या करें. अच्छा ठीक है. वो बांग्लादेश में फोन करो ना तो किसी का आगे से नंबर बंद आता है तो वो कहे दुखी तो. दुखी तो. दुखी तो. बैटिंग के लिहाज से रैंक करें ये प्लेयर्स. हाँ. अजहर अली, फखर जमान, शान मसूद, कामरान अकमल. अजहर अली, फिर सेकंड कामरान अकमल, फिर शान मसूद, फिर फखर. बड़ा आप अपने आप के मुतल्लिक रेट नहीं कर रहे आप. ये नंबर उसी हिसाब से देना. ठीक नहीं है इन्होंने देने. हाँ रमीज भाई देखना. मैं देख, मैं फिक्र ही ना कर. अच्छा जी आपका हुए सवाल खत्म. चलो शुक्र है. मैं आपको 100 में से 70 नंबर दे रहा हूँ. ओए होए सखी. अहमद, ब्यूटी क्रीम दिन में कितनी बार लगाते हैं? ब्यूटी क्रीम एक दफा भी नहीं. दिलशन के साथ हुई थी जिसमें उसने मुझे कुछ वो बोल रहा था तो मैं चुप था. उसने मुझे एकदम फिर ना यहाँ पे पास गया तो यहाँ बल्ला मारा, मैंने बल्ला ही पकड़ लिया. सही बात. डोंट यू डेयर. किस प्लेयर के साथ अपनी लाइफ को स्विच करना चाहेंगे? कोहली. कोहली. इस प्लेयर की वो कौन सी बात है जो किसी को नहीं पता? अहमद शहजाद. हम्बल भी हूँ थोड़ा. बाबर आजम. मेरे ख्याल से गर्लफ्रेंड है उसकी. है मेरे ख्याल से. चलो ये अब ऐलान हो गया को, जो कोई देख रहा है बड़ी अच्छी रेवलेशन है. मेरे ख्याल ऐसी भी इनको हमें दे देना चाहिए पॉइंट. वैसे वाकई शायद अफरीदी. सौंफ वगैरह डालते हैं कुछ. अच्छा अच्छा. नहीं वो एक दफा वो शो में भी आया था ना तो वो उन्होंने आगे क्लियर किया था. मैं तुझे हंस के जड़ा है. मैं समझा कि वो वैसे ही खाली वक्त में बॉल चबाने की प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा आपकी अलमारी से क्रिकेट की चीजों के अलावा और क्या मिलेगा?
perfumes, a lot of kits, a pair of shoes, and belts. सबसे ज़्यादा गुस्सा किस criticism पे आया अभी तक? मुझे सबसे ज़्यादा criticism जो गुस्सा आता है वो ये आता है जब लोग बोलते हैं ना कि attitude problem और out of the field, out of वो क्या है? बताएं तो सही. Out of the field कौन से problem है? आज तक मुझे नहीं रमीज़ भाई याद आया कि मैंने कभी किसी senior के साथ कोई तूतना करके बात हो की हो. अगर आप पे film बनाई जाए तो आपका किरदार किसे करना चाहिए? मुझे खुद करना चाहिए. हाँ मुझे खुद. ये तो सही. क्यों मेरी acting को करना कोई आसान काम थोड़ी है. ठीक है ना, ये skills अलग किसी किसी को. अपनी ज़िंदगी पे अगर किताब लिखी उसका नाम क्या रखेंगे? Hell of a lot criticism. HBLPSL का सबसे बड़ा शरीर प्लेयर कौन सा है? मोहम्मद नमाज. बड़ा मजा आया ना मेरे सेमीफाइनल मैच हो रहा पिशावर जालमी के अगेंस्ट शारजाह में. मार मार के पहले हमने उनको हलाल कर दिया, उसके बाद उन्होंने हमें. इसका कोई सेकंड लास्ट ओवर, ये बताइए लास्ट ओवर कर रहा था, आखिरी ओवर में कोई 12-15 था और आराम से ही हो रहा था. अब मैं इसके पास गया ना, मैं कुछ कहने लगा, अहमद भाई प्रेशर ना पाओ, मैनू करन दे. मैं कहा ठीक है फेयर इनफ. बस एक बॉल छिक्का, दूजा बॉल छिक्का, फिर मैं मिड ऑफ पे था, मेरे पास भाग के आ गया, कहना की करा मैं, निकले तो. खवातीन में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद करते? सबसे ज्यादा पसंद आती है उनके जो काजल है वो मुझे बहुत. ये इसी पे मेरा ख्याल से अहमद आप ये राउंड जीत गए. इतनी स्पेसिफिक डिटेल्ड आंसर हमें अभी तक किसी ने नहीं दिया. तो मेरा ख्याल से वेल डन, बहुत ऑनेस्टी के साथ 100 मार्क्स मिलने चाहिए और एक अच्छे स्पिरिट में उन्होंने काजल पे जीत गया. तो आपको मिले थे 70, आपको हम देंगे 85. एक बात बताएं, आपने अहमद भाई के ये 15 मार्क्स किस वजह से कम किए? इतने अच्छे मैंने आंसर्स दिए, इतने अच्छे मैंने जाना, इतने अच्छे मैंने आंसर दिए. तुमने साइड बदल ली है, तुम मेरी साइड में हो. नहीं भाई, जिस तरीके से 85 बनते थे, नहीं ज्यादा बनते इतने, क्योंकि अगर आपने उसको 70 दिए ना उसके आंसर्स पे, यार तुम तो जीत गए हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए. हां देखें 99 पे फिर भी बात बन सकती है, लेकिन एक मार्क आपने कम क्यों दिया? एक मार्क कम क्यों दिया? वो तो आप किसी तरीके से भी कह रहे यार कि 100 दुनिया में कोई भी ना 100% वो नहीं हो सकता परफेक्ट, लेकिन 99 तो बनते ही है. देखो पॉइंट ये था कि वो उसके जवाब तुम्हारे से बेहतर थे, ठीक है, और वो जीत गया. ले जी अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं. ये जो गेम है ये है डबल विकेट और बजर राउंड भी इसको आप कह सकते हैं. सो ज़ैनब अब्बास के पास एक लिस्ट है क्वेश्चंस की, ये सवाल पूछेंगी, जिसने पहले बजर बजाई वो जवाब देगा और अगर जवाब ना दिया तो नेगेटिव मार्किंग है, 6 माइनस हो जाएगा. सो बॉयज ख्याल के साथ खेलना है, मगर डरना नहीं है, इसलिए कि दोनों का मुकाबला फंसा हुआ है. एनीबडीज गेम, राइट? यानी जवाब अगर गलत है तो -6 मतलब -6 होगा. ये उन्होंने यही बोला था. चलिए थैंक यू फॉर द वो. अब आपको मैं टेस्ट करती हूँ, अब आपका रियल टेस्ट है. चले पहला सवाल, HBLPSL में अब तक का सबसे छोटा स्कोर क्या है? दोबारा दे, पास भी आ जाओ. 59. वेल डन, हमने क्योंकि इन्हीं की टीम ने किया था, अब वो करेंगे. और कलंदर्स का था. अच्छा पहले HBLPSL 2016 में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला था? इनिशियल्स है RB. चलो अगला सवाल, रवि बोपारा. ओए चलो उन्हें मिल गया. पाकिस्तान से हाईएस्ट टेस्ट बैटिंग एवरेज किस प्लेयर की है? इनिशियल है JM, द ग्रेट जवेद मियादाद. ठीक है चलो, थैंक यू रमीज भाई. पाकिस्तान से किस प्लेयर का ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा डक्स का एजाज है? ट्राई कर लेते हैं यार. हाँ जी शायद भाई. हाँ वेरी गुड, शायद आफरीदी. Okay, मैं ये तो आपको आना चाहिए. मैं तुक्का था लेकिन मैं ये देना नहीं चाहता. देना नहीं चाहता, क्या बात. पाकिस्तान से हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल बैटिंग एवरेज किस प्लेयर की है? बाबर आजम. सही बात, वेल डन. पाकिस्तान से T20 इंटरनेशनल की एक इनिंग्स में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स किसके हैं? उमर गुल. यस वेल डन. पाकिस्तान की तरह से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन करने वाले खिलाड़ी का नाम? पाकिस्तान के लिए शुएब मलिक. यस वेल डन. T20 आपको समझ लेट आ रहा है क्या? नहीं यार आया, मैं कुछ इनको कोई चाय मैं अपने वो उमर गुल का मजा ले रहा था. यही तो है गेम. नेक्स्ट पे जल्दी जल्दी. HBLPSL 2019 तक सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस प्लेयर की हैं? गुड क्वेश्चन.
कमरान अकमल। मैंने भी दबाया था। वेल डन। तुमने अब जोर से दबाओ ना, पास रखो। अच्छा, पाकिस्तान से ओडीआईज में किस विकेट कीपर को मोस्ट डिसमिसल्स का रिकॉर्ड हासिल है, ये आपको पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए। हाँ तो दबाओ ना, करो। क्या है? मोइन खान। हाँ, वेल डन, 287। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन करने वाले खिलाड़ी का नाम? टेस्ट क्रिकेट में यूनुस खान। मैंने बजा दिया था, आप बच्चा लो है। यार मत भाई, यार इनको कैसा करें, ब्लैक कॉफी पिलाएं, लेट चल रही है आजकल। आजकल ही सिर्फ अभी नहीं, मैंने पहले दबाया, दब नहीं रहा भाई। किसने पहले? अच्छा, दब नहीं रहा था, यूनुस खान। अच्छा, रिप्ले देख लीजिएगा यार किसका। यूनुस खान, ठीक है। रमीज भाई, एक मिनट। रमीज भाई, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने आंसर दिया। नहीं, रमीज भाई, रिप्ले देख लीजिए। तुम इस वक्त हमें फेंटी लगा रहे हो। हाँ, ये इसको दे दे। नहीं, रमीज भाई, ये चल ले, दे दे। फेवरेटिज्म है ना, इस तरह थोड़ी है। चलो आपको चाहिए हर जगह वो करें। वैसे जीता ये। चलो ये बताओ, ये क्या है? टेस्ट की हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड किस मुल्क के पास है? टेस्ट की हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट, श्रीलंका। कुछ तो हुआ है। अच्छा चलो जी, पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट में किस विकेट कीपर को मोस्ट डिसमिसल्स का रिकॉर्ड हासिल है? यार क्या, ये क्या है भाई? नहीं, ये तो रमीज भाई, फिर आप इधर आ जाएं। वसीम बारी, उसकी नजरें हर तरफ पे। वसीम बारी, ये क्या, कौन सी गेम है? चलो भाई, बोला भाई, ये बीच में काट दें, ये नहीं, ये तो वसीम बारी नहीं, लेकिन तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ रही ना यार, लेकिन माइल्स अहेड जा रहे हो यार, ये काट देना। अच्छा, वसीम बारी। पाकिस्तान से, वसीम बारी। नहीं भैया, एडिट में लगा दो। फेर गेम खेलनी है। पाकिस्तान से टेस्ट की एक इनिंग्स में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स किसके हैं? और वो मैं टेस्ट मैच खेला हूँ। अब्दुल कादिर। वेल डन। या कनेरिया था या अब्दुल कादिर, ये गलत है ना यार। अब फिर कौन सी बात हो गई यार, कसम से आप जरा रिप्ले दिखाएं यार, कसम से ये तो कमाल हो गया यार। मेरे ख्याल से मेरी बात सुनो, टेक्निकल टर्म नहीं, आपके ख्याल से बात नहीं सुने। घंटी बजा दिया करो, बाकी मैं कवर कर लूंगा। ये पहले चेक करता है, एक पहले चेक करता है। -6 भी तो है ना ये, ये आप -6 भी तो है ना, इसकी जगह पे ना आप बजा दीजिए। -6 भी तो है ना, ये बताए ना, और मुझे बताओ, मुझे इतने पुराने कहाँ से आते होंगे। सही बात। ये तो अभी कल के बच्चे। यकीन जाने मेरे नॉलेज बहुत खराब है। चलो जी, मगर क्रिकेट की हिस्ट्री के बस हो गया सवाल। अच्छा, वेरी वेल डन, रमीज भाई जीत गए। लो जी, बड़े दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऑपोजिशन जीत गई है, और फखर ने बहुत फड़कास लगाई है आखिरी राउंड में। इन्होंने हैंड्स डाउन जीत लिया है, मुकाबला नेक टू नेक चल रहा था, मगर ये नेक टू टो ले आए। स्पिरिटेड रिस्पांस था आपका, बहुत स्पिरिटेड था, और अभी आपने ट्राई भी माशाल्लाह बहुत। नहीं, मैंने कोई ट्राई नहीं की, मेरा दिल दोनों के लिए धड़क रहा था, और ये थोड़े से पीछे थे, तो मैं इनके लिए जो है, इनके लिए आंख भी थोड़ी धड़क रही थी। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, हमने तो बहुत एंजॉय किया, आपने भी लगता है काफी एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया अहमद भाई के साथ, जैसे हमारे अहमद भाई। अबे अहमद भाई के अलावा भी कोई बात करे यार, हमारे इतने सीनियर यंगस्टर है। रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सीनियर यंगस्टर को फॉलो करूँ और इनके नक्शे कदम पे चलो। सीनियर जूनियर का मजे का रहा ये जो था मैदान में जो हमने देखी है आज जंग। बट थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस एपिसोड, एंड हम दिखाते रहेंगे आपको HBLPSL जीत की जंग। 57 58 59, विनिंग शॉट, विनिंग शॉट, सेलिब्रेशन। देखो भाई, चार स्कोर कर लिए, कैसे चेज करेंगे, बहुत ज्यादा हो गए।